हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, इफ़ ए इज़ द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी, अगर ए किसी साइक्लिक ग्रुप जी का जनरेटर है, देन ए इनवर्स इज ऑल्सो द जनरेटर ऑफ द ग्रुप जी। तब हम लोगों को दिखाना है कि ए इनवर्स भी उस ग्रुप का जनरेटर है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, अगर ए किसी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये निकलता है कि वो जो ग्रुप है पर्टिकुलरली उस एलिमेंट से जनरेट होगा। क्लियर? मैं वही सपोज करता हूँ या जो मेरे को गिवन है उसी को लेकर के चलता हूँ। मेरे को गिवन दैट क्या दे रखा है, जी इज ए ग्रुप कैसा ग्रुप है, विच इज साइक्लिक, ठीक है ना। मेरे पास एक साइक्लिक ग्रुप जी है एंड गिवन दैट, ये भी मेरे को गिवन है, ए इज द जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। मतलब ये है कि ए ग्रुप जी का जनरेटर है, मतलब क्या निकलता है कि पूरे का पूरा ग्रुप जो है एलिमेंट ए से जनरेट हो जाएगा। सो दैट इसका मतलब क्या निकलता है, सो दैट पूरा ग्रुप जो जनरेट होगा बेटा वो एलिमेंट ए से जनरेट होगा। क्लियर? शो क्या करना है, वी वांट टू शो दैट ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर मतलब क्या निकलता है, मतलब ये निकलता है कि ये ग्रुप ए इनवर्स से भी जनरेट हो सकता है। क्लियर? हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा। मेरे को पता है कि जी इज ए ग्रुप, अगर जी ग्रुप है तो जी नॉट इज इक्वल टू फाइव है, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे, एंड ए इज जनरेटर अगर ए जनरेटर है तो जाहिर सी बात है ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे ए, ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4 एंड सो ऑन, ए की पावर m की टर्म्स में होंगे। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक, सवाल पैदा होता है क्यों, मैं कह रहा हूँ कि जी मेरा साइक्लिक ग्रुप है 1-1 आयोटा और माइनस आयोटा का, ये मेरा साइक्लिक ग्रुप है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसको बताया था कि जी जो है इसका जो जनरेटर है माइनस आयोटा भी है और इसका जो जनरेटर है वो आयोटा भी है, अर्थात ग्रुप के हर एक एलिमेंट को ऐसे लिखा जा सकता है आयोटा की फॉर्म में, आयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा, आप जानते हो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1, आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। मतलब अगर आयोटा इस ग्रुप का जनरेटर है तो इस ये जो आयोटा है या ये जो माइनस आयोटा है या प्लस आयोटा दोनों जनरेटर है, मैंने इससे जनरेट किया है, हर एक एलिमेंट जो निकल करके आएगा वो आयोटा की फॉर्म आयोटा की पावर के रूप में होगा। ओके, तो जाहिर सी बात है अगर जी साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप होने के बाद उसके जो एलिमेंट होंगे वो इस तरह से पावर की फॉर्म में होंगे। ओके, सपोज दैट जैसे मैंने कहा कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू जो है ना माइनस के 1 है, तो हो सकता है कि आयोटा की ए की पावर एम की वैल्यू जो है कोई ना कोई तो वैल्यू निकल करके आएगी, वो सपोज दैट एक्स एलिमेंट के बराबर है। ओके, और ये भी जो एलिमेंट निकल करके आया है ये भी किसका एलिमेंट है, जी का ही एलिमेंट है। ओके, नाउ अब यहाँ से देखना बेटा, ठीक है ना, मैंने ये सपोज किया कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो पावर की फॉर्म में है, कैलकुलेशन के बाद किस ए की पावर एम की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल करके आएगी, सपोज दैट वो वैल्यू एक्स के बराबर है, अर्थात एक्स बराबर कितना निकला बेटा, एक्स बराबर निकला मेरे पास कितना, ए की पावर एम। क्लियर? और कंडीशन एक और भी है बेटा, जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ आल्टा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 है, तो ठीक इसी तरीके से जो है आल्टा की पावर एम इज इक्वल टू सपोज दैट आइडेंटिटी है। मतलब क्या निकलता है, आइडेंटिटी का यहाँ पर क्या मतलब निकलता है कि भाई जो मैक्सिमम पावर है
उस पर ये आइडेंटिटी, गलत बोल रहा हूँ यार, इसको नहीं बताता। ओके आप यहीं से सपोज करो कि ए की पावर एम इज इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू निकल करके आएगी, ओके वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, क्लियर। अब आगे की तरफ चलते हैं, मैंने क्या कहा एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर माइनस वन की पावर माइनस एम भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या क्या है बेटा, इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि x को a इनवर्स की घात के रूप में लिखा जा सकता है, समझो ना आप इस चीज़ को। मैं कहना चाह रहा हूँ कि x कैन बी रिटन एज पावर ऑफ a इनवर्स, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो इसका मतलब क्या निकला कि भाई a इनवर्स इज a जनरेटर ऑफ ग्रुप जी, क्लियर। अगर ये इसका जनरेटर है तो जी इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स से जनरेट किया जा सकता है। सवाल पैदा होता है सर आपने ये कैसे बोल दिया, फिर बता रहा हूँ बेटा। यहाँ जो ए की पावर एम है भाई, मैं जैसे यहाँ आयोटा की पावर 1 2 3 4 चार जितने बढ़ा लो, ग्रुप के एलिमेंट निकलते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है अगर ए इसका जनरेटर है, साइक्लिक ग्रुप का अगर जनरेटर है, तो हर एक एलिमेंट को जनरेटर की पावर के रूप में लिखा जा सकता है, साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। मान लिया जाए एक्स की पावर एम की, सॉरी ए की पावर एम की कोई ना कोई वैल्यू है, ए की पावर एम को जब आप सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू निकल करके आएगी। जैसे अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूँ तो 2 निकलता है, अगर मैं 2 की पावर 2 करता हूँ तो 4 निकलता है, कुछ ना कुछ एलिमेंट की वैल्यू आ रही है ना। 2 की पावर 3 करता हूँ तो 8 निकलता है, 2 की पावर अगर मैं सपोज दैट 5 करता हूँ तो देख लो आप 32 निकलता है। बात ये नहीं है बेटा, इधर एलिमेंट की पावर है निकल करके एलिमेंट आ रहा है, इधर पर्टिकुलर एलिमेंट की पावर है इधर एलिमेंट निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पावर एम की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ओके और ये कब वैल्यू होगी, जब ए जनरेटर है, एक्स को लिख सकता हूँ ए की पावर एम, इस एक्स को लिख सकता हूँ ए इनवर्स की पावर माइनस के एम। ओके अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर ए जनरेटर है, इनवर्स की फॉर्म में आ चुका, पावर की फॉर्म में आ चुका, मेरे को पहले से ही पता है कि एक्स कैन बी रिटन एज द पावर ऑफ ए इनवर्स, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कंक्लूजन क्या निकला कि ए इनवर्स इज द जनरेटर ऑफ द ग्रुप, अर्थात जी इज इक्वल टू ए इनवर्स। और मेरे को प्रूफ क्या करना था, ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ ए ग्रुप, क्लियर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है द ऑर्डर ऑफ, थ्योरम नंबर नेक्स्ट है बेटा, द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप order of a finite cyclic group is equal to the order of its generator, दोबारा पढ़ रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन मेरा ये है, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, किसी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है। अर्थात मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज दैट मेरे पास कोई साइक्लिक ग्रुप जी है, ओके मेरे पास साइक्लिक ग्रुप जी है, और सपोज दैट ए मेरा जनरेटर है, ओके तो मेरे को प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ ए। दिस इज माई क्वेश्चन। फिर कह रहा हूँ ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अगर आपके पास कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, सपोज दैट वो जी है, और पूरे का पूरा ग्रुप पर्टिकुलर एलिमेंट ए से जनरेट होता है, तो मेरे को दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द जनरेटर, सॉरी ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द जनरेटर, यानी ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर दोनों के दोनों सेम है, क्लियर। प्रूफ देता हूँ, मेरे को गिवन है, given that
ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी जब मेरे पास कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, देखो साइक्लिक वर्ड का यूज हो चुका, तो जाहिर सी बात है ये किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा। ओके, गिवन दैट ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी, क्लियर, विच इज जनरेट बाय सिंगल एलिमेंट ए, साइक्लिक है तो जनरेटर कंटेन करेगा और जनरेटर एक ही होगा। ओके, और वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वो जो जनरेटर होगा पूरे ग्रुप को जनरेट कर देगा, उसी की बात कर रहा हूँ, विच इज जनरेट बाई ए सिंगल एलिमेंट ए। मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकलता है कि जी जो जनरेट हो रहा है वो ए से जनरेट हो रहा है, नो प्रॉब्लम। आगे देखता हूँ, वी वॉन्ट टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ए ऑर्डर ऑफ ए। सुपोज दैट, आगे सुपोज करता हूँ, सुपोज दैट भाई, देखना बेटा सुपोज भी क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास फाइनाइट वर्ड लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है ग्रुप का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, उसके जनरेटर का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। मैं वही बात कह रहा हूँ कि सुपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, मैंने एन मान लिया और ये ऑर्डर मेरा फाइनाइट है, क्लियर। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, अगर जी साइक्लिक है, ओके, लिख रहा हूँ पहले, गिवन दैट जी साइक्लिक, जी साइक्लिक है तो जी के अंदर जो एलिमेंट होंगे किस तरह के एलिमेंट होंगे बेटा, जी के अंदर एलिमेंट होंगे ए, ए स्क्वायर, ए की पावर 3 एंड सो ऑन, ए की पावर एन टाइप के एलिमेंट होंगे, आप भी जानते हो। मैं फिर वही एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर जी इज इक्वल टू आप 1-1 आयोटा और माइनस आयोटा मान लो, अब की बार जनरेटर अगर मैं आयोटा लूँ, आयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एलिमेंट तो इसी तरह के होंगे। ओके, मैंने क्या किया कि सपोज दैट ये जो मेरा ग्रुप है इसका कोई सब ग्रुप है, सब ग्रुप के थ्रू प्रूफ करूँगा। नाउ सपोज दैट मैंने एक सेट लिया, कैसा सेट लिया, सपोज दैट एच, मेरे पास कोई एक सेट है और एच के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, ए, ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4 एंड सो ऑन, ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी टाइप के एलिमेंट है। सवाल पैदा ये होता है कि सर ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्यों लिख दिया, बेटा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, जब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है तो इसका मतलब ये निकलता है कि ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन लगाओ आप। ओके, मैंने एक सबसेट लिया या एक सब ग्रुप लिया, अभी तक तो मैंने एक सेट माना है, मान लिया मेरे पास कोई सेट है किसी ग्रुप का, कोई छोटा सा सेट लिया। ओके, तो जाहिर सी बात उस सेट के अंदर ग्रुप के ऐसे ही एलिमेंट होंगे, और मैं कह रहा हूँ अगर ये सेट इज ए सब ग्रुप, अगर ये सब ग्रुप हो ऑफ ग्रुप जी, ठीक है ना, विद ऑर्डर कितना, विद ऑर्डर एन, क्लियर। अब आगे की तरफ देखना बेटा, अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सपोज दैट इसके अंदर ए की पावर एम का भी एलिमेंट है, ए की पावर एन वाला भी एलिमेंट है, ए की पावर पी वाला भी एलिमेंट है, ए की पावर क्यू वाला भी एलिमेंट है। मैंने क्या सपोज किया भाई, देखो इसके अंदर ए, ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर एन वाले एलिमेंट हैं, तो जाहिर सी बात है ए की पावर एम वाले भी एलिमेंट होंगे। मैंने वही कहा कि सपोज दैट ए की पावर एम का कोई एलिमेंट जो है वो इसके अंदर है, एच के अंदर है, ठीक है ना। एच क्या है, जी का सब ग्रुप है, जो एलिमेंट सब ग्रुप के अंदर होगा जाहिर सी बात है वो ग्रुप के अंदर तो होना ही होना है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और मैंने एक कंडीशन मानते हुए चली कि मान लिया जाए एम जो है लेस देन और इक्वल टू एन है, पहला केस ये लिया मैंने, एम जो है एन से छोटा है, यानी एलिमेंट इस तरफ छोटा है, अगर एन से छोटा है तो जाहिर सी बात है ए की पावर एम जो है वो एच के अंदर होगा, आपके सामने है, और एच जी का सब ग्रुप है, ए की पावर एम जो है किसके अंदर होगा, जी के अंदर भी होगा, तो इसका मतलब क्या निकल गया कि एच जो है सबसेट हो जाएगा जी का,
सुपोज दैट दिस इज इक्वेशन वन, आगे देखता हूँ। मान लिया जाए अगेन सुपोज दैट, एक केस तो मैंने ये मान लिया, अगर बाई चांस उल्टा हो जाए अगेन, अगर मैं कहूँ कि m जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, या m जो है n से बड़ा है, ओके आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा कि दुनिया के किसी भी नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, यू नो वेरी वेल, कई लेक्चर्स के अंदर ये बात मैंने आपको बताई है। अब ये बार मैं सेकंड केस लेकर के चल रहा हूँ, मैं क्या मानते हुए चल रहा हूँ कि बेटा अगर m जो है m बड़ा है n से, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि n को जो लिखा जा m को जो लिखा जा सकता है बेटा, वो ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है बता रहा हूँ अभी, m इज इक्वल टू होता है n इंटू क्यू प्लस के आर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। दुनिया के एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे थ्री को दो के रूप में, थ्री को दो के रूप में लिखो, थ्री को कैसे लिखा जा सकता है, थ्री बराबर लिखा जा सकता है दो गुणा वन प्लस के वन। पाँच को चार, पाँच को चार के रूप में लिखो, पाँच को क्या लिखा जा सकता है एक गुणा चार प्लस के वन। आप कहोगे सर बीस को पंद्रह के रूप में लिख दो, बिल्कुल लिखा जाएगा, बीस को क्या कैसे लिखा जा सकता है पंद्रह गुणा वन प्लस के पाँच। अर्थात दुनिया के हर एक एलिमेंट को ऐसे लिखा जा सकता है अगर एक बड़ा और दूसरा छोटा हो, क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगर ये सिचुएशन है जो सिचुएशन मेरे पास बनी हुई है, तो इसके बेस पर मैं सीधा बोल सकता हूँ एम को जो लिखा जा सकता है बेटा, एम बराबर कितना होगा एन इंटू क्यू प्लस के आर हो जाएगा। आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मैंने दोनों तरफ ए की पावर एम का यूज़ किया, ए की पावर एम इज इक्वल टू कितना होगा ए की पावर एन क्यू प्लस के आर हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर मैं क्या मानते हुए चला हूँ, क्वेश्चन के अंदर मानते हुए चला हूँ मैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है एन है, इस लाइन का मतलब क्या निकलता है ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट के ऑर्डर की परिभाषा से, क्लियर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ से मेरे पास सीधा निकल करके आएगा ए की पावर एम की अगर मैं बात करूँ, ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन की पावर क्यू इंटू ए की पावर आर, ए की पावर एन की वैल्यू कितनी आइडेंटिटी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आइडेंटिटी की पावर क्यू इंटू ए की पावर आर, क्लियर। ये आइडेंटिटी की पावर क्यू किसके बराबर होती है आइडेंटिटी के, इसको लिख सकता हूँ आइडेंटिटी इंटू ए की पावर आर, क्लियर। आगे की तरफ देखता हूँ ए की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना ए की पावर आर, यानी मेरे पास निकला ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर आर। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये जो ए की पावर आर है ना, यहाँ जो एलिमेंट है देखो हुआ एक्चुअल में क्या है, यहाँ ए ए स्क्वायर ए की पावर एम तक, ए की पावर एम तक एलिमेंट है, एम ग्रेटर देन एन है। अब यहाँ देखो आप, ये होने के बाद यहाँ ये जो बड़ा एलिमेंट, ये जो आर है ना बेटा, ये जो आर है, हर बार देखो आप तीन को लिखा मैंने, तीन गुना दो प्लस वन एन क्यू प्लस आर, ये जो आर है ये हमेशा इससे छोटा है, हमेशा ऑलवेज छोटा है। अगर छोटा है तो जाहिर सी बात है सेट के अंदर होगा भाई, समझो आप इस चीज़ को यार। फिर कह रहा हूँ जैसे मैंने पाँच को चार के रूप में लिखा है, पाँच को चार के रूप में लिखा है, ये प्लस का आर ये आ रहा है, आर जो है ना इस पाँच से भी छोटा है, इस चार से भी छोटा है, इस पाँच से तो छोटा है ही है यार, क्लियर सी बात है। अगर छोटा है तो सेट के अंदर होगा, उसके अंदर तो पावर ए की पावर, ए की पावर वन टू थ्री अप टू एन की फॉर्म में है ना, क्लियर। तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि ये जो है ये एच के अंदर होगा, क्लियर। और अगर ऐसा है, ये किसका एलिमेंट था ए की पावर एम, किसका एलिमेंट था ग्रुप का एलिमेंट था, ओके ए की पावर एम की वैल्यू कितनी निकल चुकी ए की पावर आर आ चुकी, ये किसका एलिमेंट है जाहिर सी बात है ग्रुप का भी एलिमेंट है, ए की पावर आर किसका एलिमेंट है सब ग्रुप का भी एलिमेंट है। ए क्या है कोई जनरल एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट अगर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ जी सबसेट ऑफ एच, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, इक्वेशन नंबर वन क्या बनी हुई थी आपके सामने, ये देखो एच सबसेट ऑफ जी, इक्वेशन नंबर वन थी एच सबसेट ऑफ जी, इक्वेशन नंबर वन। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, अगर ए सबसेट ऑफ बी है, सॉरी ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है, सेट थ्योरी के अंदर इसका मतलब निकलता है ए इज इक्वल टू बी, क्लियर। तो इसका मतलब क्या निकला बेटा जी इज इक्वल टू क्या निकल गया एच। अब एच के ऑर्डर की बात करता हूँ, ध्यान से देखना है, अब आपको यहाँ आ जाओ ऑर्डर ऑफ एच, एच किसके ऊपर आइडेंटिटी दे रहा है एन के ऊपर आइडेंटिटी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या निकला ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू कितना है एन है ना, क्लियर।
तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया, अगर मैं दोनों तरफ ऑर्डर लगाता हूँ, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ एच हो चुका आपके सामने है। और नो प्रॉब्लम, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू कितना है आपको पता है, एन के ऊपर आइडेंटिटी दे रहा है, साफ साफ बता रहा हूँ, पावर एन के ऊपर आइडेंटिटी दे रहा है। जितने किसी सबसेट के अंदर, सब ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर एलिमेंट होते हैं वो उसका ऑर्डर होता है। क्लियर, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, एन, एन के बराबर है। इस एन को क्या लिख सकता हूँ, इस एन को क्या लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए। मतलब क्या निकल गया कि ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर हुआ, ऑर्डर ऑफ जी बराबर हुआ किसके, ऑर्डर ऑफ ए के। जी कैसा था, साइक्लिक ग्रुप। ए क्या था, जनरेटर। यही था ना, मतलब क्या निकला कि साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है। दोनों बराबर प्रूफ कर दिए मैंने। ओके, यही मेरे को प्रूफ देना था। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।